नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरवी रेल व्लॉग में। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इन द लेजेंडरी 16592 मैसूरू हुबली हम्पी एक्सप्रेस। और हमारी गाड़ी शायद प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आने वाली है, तो बेंगलोर स्टेशन पे आएंगे तो ऐसे कई हॉर्न सुनने मिलेंगे। तो चलिए हमारी गाड़ी की तरफ चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं गाइस, अपनी गाड़ी हम्पी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगाया जाएगा। और यहाँ पे बेंगलोर स्टेशन पे रात के समय बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती है, जैसे कि नॉर्थ साइड की और अहमदाबाद की और दिल्ली की और वगैरह, तो काफ़ी रश है। और अभी अभी जस्ट हुबली जनशताब्दी भी आई है तो रश बढ़ चुका है स्टेशन पे। और गाइस, कोई भी सफ़र करने से पहले अपना पानी ज़रूर कैरी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से नंदनी पार्लर से पानी ले लिया है, क्योंकि पानी के बिना कुछ नहीं है, जल ही जीवन है और कोई रिस्क नहीं ले सकते, कहीं रास्ते पर मिले ना मिले, तो पानी ज़रूर सबसे पहले कैरी कर लीजिएगा जर्नी चालू करने से पहले। तो गाइज, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इन द 3 टेयर ऑफ हम्पी एक्सप्रेस। और हमारा कोच नंबर है B1 और हमें साइड अपर सीट मिली है। तो रश तो काफ़ी बहुत हो चुका है और गाड़ी भी लगभग 10 मिनट लेट हो चुकी है, तो देखते हैं कब तक हमारी गाड़ी आएगी। और वहाँ पीछे गांधीधाम एक्सप्रेस को भी लगा दिया गया है, तो काफ़ी रश है स्टेशन पर फिलहाल। चलिए वेट करते हैं अपनी ट्रेन का, और कोई अपने पास ऑप्शन तो है नहीं। तो गाइस, पूरे 10 मिनट के डिले के बाद हमारी हम्पी एक्सप्रेस आ चुकी है ऑन द प्लेटफॉर्म 8 ऑफ KSR बेंगलुरु विद वेब 7। गाइज, एकदम 10 मिनट के डिले के साथ हम निकल चुके हैं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से। तो गाइज, हमारी हम्पी एक्सप्रेस को बेंगलोर से जो कि हुबली का डिस्टेंस है उसे कवर करने में 15-30 मिनट्स लगेंगे। और एवरेज स्पीड रहेगी 44 किलोमीटर पर आवर और टॉप स्पीड रहेगी 110 किलोमीटर पर आवर। और ये इस रूट की लगभग स्लोएस्ट गाड़ी है, क्योंकि ये धर्मारम गुंडकल बेल्लारी वाला रूट लेती है। और गाइज, हम स्किप कर रहे हैं मलेश्वरम को और ये काफ़ी डिसेंट स्पीड है। जैसा कि आप हाल देख सकते हैं, गाड़ी काफ़ी ख़राब हालत में है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। तो गाइस, हम पहुंच रहे हैं हमारे गाड़ी के पहले हॉल्ट यशवंतपुर जंक्शन, और ये काफ़ी खूबसूरत जंक्शन है। तो ज़रा देखिए स्टेशन को, और यशवंतपुर का अराइवल काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। गाइस, हम पहुँच चुके हैं हमारे गाड़ी के पहले हॉल्ट यशवंतपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है YPR। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो ज़्यादा वीडियो मैं नहीं ले पाया अरावेल का, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे गेट के पास। तो चलिए डिपार्चर लेते हैं यशवंतपुर का, फिर रात में कुछ ज़्यादा दिखाने को तो होगा नहीं, तो मैं सो जाऊँगा और सुबह को आपको से मिलूँगा सनराइज़ के नज़ारों के साथ। तो गाइस, जैसे ही हम यशवंतपुर जंक्शन से निकले, पास ही के प्लेटफॉर्म पर यशवंतपुर पूरी गरीब रथ खड़ी थी पुणे के वेब 7 के साथ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जहाँ पर मैं स्पॉट कर रहा था पुणे के वेब 7 को। और रात के लगभग 12 बज चुके थे और टीटी भाई साहब आए टिकट चेक करने, और एक एक पैसेंजर को उठा उठा कर बेचारे टिकट चेक कर रहे थे, तो इनकी ड्यूटी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। और लगभग अभी रात हो चुकी है, तो आप सबसे मिलता हूँ सुबह में।
वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं हॉस्पेट जिसका स्टेशन कोड है HPT और रात में काफ़ी ज़बरदस्त नींद आई, तो चलिए हॉर्न मार दिया हमारी गाड़ी ने और डिपार्ट करते हैं हॉस्पेट जंक्शन से। तो गाइस हॉस्पेट जंक्शन से अब निकल चुके हैं, अब हमारी गाड़ी के स्टॉप होने वाले कोपल, गदग और फिर हुबली हम पहुंच जाएंगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेगी। फिलहाल हॉस्पेट हमारी गाड़ी आधे घंटे डिले के साथ पहुंची है, तो यहां का डिपार्चर लेते हैं और आगे डैम भी आने वाला है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, हॉस्पेट डैम। तुंगभद्रा डैम या हॉस्पेट डैम उसे आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा था ये सुबह सुबह। हम पहुंच चुके हैं कोपल पे जिसका स्टेशन कोड है KBL। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है, देखिए पीछे झाड़ियाँ और पहाड़ भी है यहाँ पे, तो काफ़ी खूबसूरत स्टेशन लगा। खाने पीने की मुझे कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दिखी, तो चलिए कोपल से निकलते हैं। तो गाइस रात में सब लोग सो रहे थे तो मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर नहीं दिखा पाया, तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ कैसा है हमारा कोच। तो कुछ ऐसा है इंटीरियर हमारे गाड़ी का, यहाँ पे दो चार्जिंग के प्लग दिए हुए हैं, दो यहाँ पे, एक नीचे भी दिया हुआ है और एक वहाँ पे, तो 6 सीट के लिए भी चार्जिंग प्लग है, एक मिरर है यहाँ पे, और एक चीज़ अच्छी लगी कि रीडिंग लाइट इंडिविजुअली हर सीट के लिए दी गई है यहाँ पे, और वहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि साइड अपर पे भी जो है रीडिंग लाइट्स वगैरह दी गई है और चार्जिंग पोर्ट दोनों के लिए दिए गए हैं। साइड लोअर सीट में जो होती है वो बीच में जो गैप बन जाता है उसके लिए एक एडिशनल सीट दी गई है, तो ये सीट आप ऐसे उठा के रखेंगे तो एकदम सीधी हो जाएगी ये सीट। तो ओवरऑल काफ़ी सही लगा मुझे हमारी गाड़ी का इंटीरियर। तो गाइस हम्पी एक्सप्रेस जो है इस रूट की काफ़ी थकी हुई ट्रेन है, ये हर छोटे मोटे स्टेशन पे रुक जाती है और हर छोटा मोटा स्टॉप ले लेती है और कोई ट्रेन इसे ओवरटेक कर देती है या कोई ट्रेन क्रॉसिंग करती है तो भी यही ट्रेन खड़ती है, तो काफ़ी एक थकी हुई और धीमी ट्रेन है और हर स्टेशन लगभग आधा घंटा लेट पहुँच रही है, कितना स्लैक टाइम दिया हुआ है इसे। तो बात करें हमने गाड़ी के रूट की, तो ये जो रूट है ये अपनी ट्रेन धर्मावरम गुंटकल वाला रूट लेती है जो कि रेगुलर है, उसके बाद ये ट्रेन बेलारी की ओर बढ़ जाती है और बेलारी से कोपल, गदग होते हुए हुबली पहुंचती है, और इस रूट पे क्या है गुड्स ट्रेन ज़्यादा चलती है, हर एक आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में गुड्स ट्रेन क्रॉस हो रही है हमारी ट्रेन को, और ये रूट जो है अपना गदग, कोपल और हुबली वाला, तो काफ़ी कम रेल फैंस ने ये रूट कवर किया हुआ है और इस रूट में जो है काफ़ी पैसेंजर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम ही है। और फिलहाल बात करूँ ऑक्यूपेंसी की,
तो लगभग बेल्लारी हॉस्पिटल के बाद ट्रेन ऑलमोस्ट 90% खाली हो चुकी है। हर कोच में एक दो लोग बैठे हुए हैं, तो हुबली तक कोई ट्रैवल नहीं करता इस ट्रेन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और वही बात करूँ, ये ट्रेन रात में 10 बजे निकली थी बैंगलोर से, और हुबली पहुँचेगी लगभग अभी 10:30 बजे। और हमारी जो धारवाड़ वंदे भारत है वो सुबह निकलती है 5:45 को, और 11:30 यानी कि हमारी ट्रेन के 1 घंटे बाद पहुँच जाएगी हुबली। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है टाइमिंग में। ये हालांकि लंबा रूट रहती है, फिर भी ये इसका टाइमिंग ज़्यादा उस रूट को देखते हुए। और गाइस मुझे भूख भी बहुत लगी है, और ये रूट ऐसा है कि ना कोई चाय कॉफ़ी कुछ नहीं आई अभी तक, ना कुछ नाश्ता कुछ आता है इस रूट में। तो अब सीधा हुबली पहुँच के हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, और मॉर्निंग चाय तो आप भूल ही जाइए इस रूट में मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा अगर इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे थे हुबली, या इस रूट में आप कभी आ रहे हैं। तो और सामने हुबली गुंडकल पैसेंजर डिपार्ट हो रही है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं गदग जंक्शन, जिसका कोड है GDG। गदग जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है बीजापुर बागलकोट की ओर, जो मैं आपको दिखाऊंगा डिपार्चर के टाइम। और खाने पीने की भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है गदग जंक्शन पे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। फिलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट हुबली जंक्शन पे ही करूँगा, तो यहाँ से डिपार्चर लेते हैं फिलहाल। तो गाइज बात करें फेयर की, तो आपको स्लीपर क्लास में पड़ेंगे 325 रुपीज़ बैंगलोर से हुबली तक, और 3 टायर जो मैंने बुक किया उसके पड़ेंगे लमसम 900 रुपये, और 2 टायर के आपको पड़ेंगे 1300 रुपये तक, और फर्स्ट AC के आपको 2100 रुपये तक पड़ेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स थी फेयर्स के बारे में हमारी गाड़ी के। और इस गाड़ी में 3 टायर के कोच है, 1 सेकेंड टायर है, और 1 फर्स्ट AC का है, और 10 स्लीपर कोचेस हैं। तो ये थी रैक कॉम्पोजिशन गाड़ी की। और गाड़ी एक डेली ट्रेन है, तो डेली चलती है ये बैंगलोर से हुबली के बीच में। तो गाइज हम निकल चुके हैं गदग जंक्शन से, और आपको मैं दिखाऊंगा बागलकोट बीजापुर वाली लाइन और गदग कॉर्ड स्टेशन भी। तो गाइज सामने जो गुड्स ट्रेन खड़ी है ये बागलकोट बीजापुर वाली लाइन से ही आ रही है। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स हुबली, और ये बागलकोट बीजापुर वाली लाइन है वो वाली। जैसे आप देख सकते हैं सामने वो स्टेशन, वो है गदग बाईपास स्टेशन। सो जो ट्रेनें रिवर्सल लेती थी हुबली से आके गदग पे, वो इन फ्यूचर मेरे हिसाब से वो डायरेक्टली उसी बाईपास स्टेशन से निकल जाएगी एक हॉल्ट लेकर। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अनिगेरी, और इसके बाद सीधा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला हुबली। तो ये ट्रेन ऐसे छोटे मोटे स्टेशनों पर रुक जाती है, और स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, पर यहाँ से मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर ना कोई ट्रेन बोर्ड कर रहा है ना डीबोर्ड कर रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे स्टॉप देने का कोई मतलब नहीं है एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन को। तो चलिए यहाँ का डिपार्चर लेते हैं और बढ़ते हुबली की ओर।
गाइस हम निकल चुके हैं अनिगिरी से और काफ़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई है, तो हुबली आने का वेट नहीं हो रहा है, तो जल्दी से हुबली पहुंचते हैं। तो सफ़र का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए थे अपने गंतव्य स्टेशन हुबली। और यहाँ पे एक खूबसूरत WDP4 रीपेंटेड खड़ा है, ज़बरदस्त। और ये है हुबली का वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि 1507 मीटर लंबा है। और इस प्लेटफॉर्म को लेके कंट्रोवर्सी भी है कि बहुत सारे लोग अपनी ट्रेन मिस कर चुके हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म 1 से ही कनेक्टेड है। तो बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म 1 पर खड़े रहते हैं और ट्रेन यहाँ से बाहर से ही डिपार्ट हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ट्रेन यहाँ पर खड़ती है और दूसरी वाली उसी प्लेटफॉर्म पर आगे की ओर खड़ती है। गाइज हम पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन। तो ओवरऑल ये ट्रेन के बारे में बताऊँ तो, अगर आप बेलारी हॉस्पिटल ट्रैवल करना चाहते हैं बेंगलोर से, तो ये ट्रेन में आ सकते हैं। हुबली के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, काफ़ी स्लो ट्रेन है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेट करता है कि और भी क्वालिटी कंटेंट लाऊँ आपके लिए। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कौन सी ट्रेन में जर्नी करूँ वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। Till then, see you, thank you, bye bye, take care.